कि वो इल्ज़ाम खुद ही बेबुनियाद साबित हुआ, क्योंकि उमर साहब को कुछ बोलने से पहले पहले सोचना चाहिए, क्योंकि समझदार इंसान है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है, हम इनको बड़े समझदार समझते हैं और पॉलिटिकली मैच्योर समझते हैं, वो उनको तो ऐसी बात करनी चाहिए, उनको जिसने भी उनको ये बात बताई उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए पार्टी के अंदर। नंबर टू, जहाँ तक हार्स ट्रेडिंग या धांधलियों की बात है, देखिए इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ धांधलियाँ हो जाएंगी, अगर इलेक्शन वो जीत गई इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए धांधलियाँ की, क्योंकि इलेक्शन तो ये जो पगड़ वालों ने ज़्यादा सीटें ली हैं, इसका मतलब धांधली उनके हक में की गई है। अब छोड़िए इस बात को, इलेक्शन हो गए, नतीजे सामने आए और उसके बाद सब खुश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए। अब जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं वो बदमाशी नहीं है, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो बदमाशी है। डबल स्टैंडर्ड देखिए क्या है, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पगड़ में एक अहम एक हिस्सा है, हिस्सेदार है, वो उनके अलाय है, अगर वहाँ लोग ज्वाइन करते हैं उस पर बात क्यों नहीं उठती, अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं अपने पार्टी में ज्वाइन करते हैं वो गलत है, ये ही डबल स्टैंडर्ड और ये सियासत से